वीडियो में मैं आप लोगों को नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर नॉन साइनसॉइडल सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, सार्टूथ वेव या रिपीटेटिव पल्सेस। नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर के एग्जांपल हैं सार्टूथ जनरेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, मल्टी वाइब्रेटर्स, स्मिथ ट्रिगर्स। इनमें से रिलैक्सेशन ऑसिलेटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर है, जो कि स्क्वायर वेव, ट्रेंगुलर वेव, सार्टूथ वेव को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सर्किट डायग्राम आप रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का देख रहे हैं, जो कि स्क्वायर वेव को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आउटपुट वोल्टेज को हमने एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क R1 R2 के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। आउटपुट का एक पार्ट हमने इस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है और उस पार्ट को हमने BTH से रिप्रेजेंट किया है। BTH जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये डिपेंड करेगा R1, R2 और आउटपुट लेवल पे। BTH इक्वल्स R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VU। अगर आउटपुट अपने मैक्सिमम पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल पे है, प्लस बी सेचुरेशन लेवल पे, तो जो इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अगर VU अपने मैक्सिमम नेगेटिव सेचुरेशन लेवल पे है, माइनस बी सेचुरेशन लेवल पे, तो जो ये BTH की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यही अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कंपेयर किए जाएंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट की स्विचिंग होगी। आउटपुट वोल्टेज को हमने एक फीडबैक रजिस्टर R के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है ग्राउंड और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में। तो ये कैपेसिटर इस आउटपुट वोल्टेज के पोलरिटी के अकॉर्डिंग चार्ज और डिस्चार्ज होगा। इसके वर्किंग को हम वेवफॉर्म के माध्यम से समझते हैं। आप इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखिए। अगर किसी मोमेंट पे सपोज दैट आउटपुट कंपैरेटर का आउटपुट अपने मैक्सिमम पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल पे है प्लस 15 वोल्ट, उस केस में BTH अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, पॉजिटिव होगा। इस अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हमने एक डॉटेड लाइन से पॉजिटिव डायरेक्शन में शो किया है और यही आउटपुट वोल्टेज एक रजिस्टर R के थ्रू, जैसे कि इसमें आप फिगर में देख रहे हैं कि ये आउटपुट वोल्टेज रजिस्टर R के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। तो ये कैपेसिटर इस पॉजिटिव वोल्टेज के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। इनिशियली आउटपुट वोल्टेज अपने मैक्सिमम सेचुरेशन लेवल पे है, हमने ज़ूम किया है, प्लस 15 वोल्ट पे है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होगा क्योंकि कैपेसिटर इस पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज के पार्ट जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे R के थ्रू अप्लाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा। कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज होते होते जब अपने इसके अपर थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँच जाएगा तो कंपैरेटर आउटपुट वोल्टेज को इस अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कंपेयर करके आउटपुट वोल्टेज को नेगेटिव सेचुरेशन लेवल पे स्विच कर देगा। जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लेवल पर पहुंच जाएगा तो इन्वर्टिंग टर्मिनल
का वोल्टेज जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो कंपेयर होगा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, और जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लेवल पर पहुंचेगा कंपैरेटर आउटपुट को प्लस बी सेचुरेशन मीन्स प्लस 15 वोल्ट से माइनस बी सेचुरेशन माइनस 15 वोल्ट पर स्विच कर देगा। इससे अब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज था अब वो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने दिखाया है निगेटिव डायरेक्शन में ये डॉटेड लाइन से। आउटपुट का ही एक पार्ट कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई हुआ है रजिस्टर आर के थ्रू, ये आप देख रहे हैं कि आउटपुट का हमने एक पार्ट इस रजिस्टर आर के थ्रू इस कैपेसिटर पे अप्लाई किया है। अब चूंकि आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है इसलिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होगा, तो कैपेसिटर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज हुआ था इस अपर थ्रेशोल्ड लेवल तक अब नेगेटिव वोल्टेज के नाते डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज होकर के जब ये जीरो लेवल पे आ जाएगा, अब चूंकि अभी भी इसके अक्रॉस वोल्टेज ये नेगेटिव वोल्टेज ही है, इस नेगेटिव वोल्टेज का एक पार्ट कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई हुआ है तो कैपेसिटर नेगेटिव डायरेक्शन में अब चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले डिस्चार्ज होकर के पॉजिटिव डायरेक्शन से जीरो लेवल पे आएगा, फिर जीरो लेवल से नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होते हुए उसका लेवल लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लेवल के बराबर हो जाएगा तो कंपैरेटर इस नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज को पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल पे स्विच कर देगा। आउटपुट जो पहले नेगेटिव बी सेचुरेशन लेवल पे था माइनस 15 वोल्ट पे था, जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के इक्वल होगा कंपैरेटर आउटपुट को नेगेटिव सेचुरेशन लेवल से पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल पे स्विच कर देगा। जब पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल पे हो जाएगा तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज दोबारा अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अब पॉजिटिव कनेक्ट हो गया है तो कैपेसिटर अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना शुरू होगा। जब आउटपुट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का एक पार्ट कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट होगा रजिस्टर आर के थ्रू, तो कैपेसिटर जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हुआ था लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, जीरो तक डिस्चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू होगा और ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल तक चार्ज होगा। जैसे ही कैपेसिटर अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक चार्ज होगा दोबारा कंपैरेटर आउटपुट की स्विचिंग प्लस बी सेचुरेशन लेवल से माइनस बी सेचुरेशन लेवल पे कर देगा। जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा माइनस बी सेचुरेशन हो जाएगा तो कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आउटपुट वोल्टेज को प्लस बी सेचुरेशन लेवल से माइनस बी सेचुरेशन लेवल और माइनस बी सेचुरेशन लेवल से प्लस बी सेचुरेशन लेवल पे स्विच करेगा। इस तरह से हमको आउटपुट पे एक स्क्वायर वेव मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट पे डिपेंड करेगी। कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है जो कि आर इंटू सी के बराबर होता है। तो अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रखते हैं, आर सी की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, तो कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि आउटपुट स्क्वायर वेव जो जनरेट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, और अगर टाइम कांस्टेंट कम रहता है मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट ज़्यादा रहता है तो आउटपुट स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम कांस्टेंट कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इस तरह से हम आउटपुट वेव फार्म जो कि स्क्वायर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को आर और सी के वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो कि स्क्वायर वेव को जनरेट कर रहा है इस केस में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल।